फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष। आज हम बात करेंगे संजू मूवी और पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो बहाने ढूंढता है हमारी फिल्मों को बैन करने के लिए, आप देखेंगे इस साल परी, परमाणु, वीर दी वेडिंग जैसी मूवी को उन्होंने बैन कर दिया, विदेश में रिलीज नहीं होने दिया। और जो भी फिल्म अगर आप देखेंगे जिसमें हल्का सा टेररिज्म, पाकिस्तान या कश्मीर का इशू होता है तो वो उसे वहां रिलीज नहीं हो सकती, होने देती है। आप देखेंगे एजेंट विनोद, फैंटम, भाग मिल्खा भाग, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं ब्लैक फ्राइडे जो इंडिया में भी काफी टाइम तक बैन रही थी, पाकिस्तान में भी आज तक रिलीज नहीं हुई, जो बॉम्बे बम ब्लास्ट में थी। लेकिन संजू आराम से रिलीज हुई पाकिस्तान में और उसने पहले हफ्ते में 12 करोड़ से ज्यादा व्यापार किया और अभी भी 51 मिलियन से ज्यादा वो व्यापार वहां कर चुकी है। हालांकि संजू इंडिया में भी बहुत शानदार व्यापार किया। आपको बता दें, जो मूवी आज तक जो हॉलीडे में रिलीज नहीं होती है, ऐसे अंधेरा रिलीज होती है, उसमें वो सबसे टॉप में चली गई। आज तक कोई मूवी जो नॉर्मल डेज में रिलीज हुई है उसने इतना पैसा आज तक नहीं कमाया है। तो संजू बहुत सारे झंडे गाड़े, लेकिन बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कैसे रिलीज हो गई संजू? संजू में तो बॉम्ब ब्लास्ट की बात थी। आपको बॉम्बे का सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट जिससे दाऊद इब्राहिम रिलेटेड है, जो पाकिस्तान में बैठे हुए ऐसा कहा जाता है, बहुत चीजें हैं। उसके बाद ही इंडिया की आप समझ रहे कितनी चीजें बदल गई, कितने इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद ही बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे बदल चुके हैं जो इंडिया को अनफेवरेबल है और बहुत ही कंडीशंस खराब हो चुके हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में संजू क्यों रिलीज हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस फिल्म में जो राजू हिरानी ने बॉम्ब ब्लास्ट को इतने डीपली नहीं गए, ये बहुत बड़ा कारण रहा, या फिर संजय दत्त और उनके फादर सुनील दत्त जब बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो राइड्स हुए उसमें मुस्लिम्स के एरिया में हेल्प किया वो बहुत बड़ा उस था, या संजय दत्त की मदर जो मुस्लिम है इस वजह से एक अफेक्शनेट था इसलिए उसे रिलीज किया गया, ये बहुत बहुत सारे रीजन है। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्यास लगा रहे हैं, बहुत सारे र्यूमर्स हैं। आपको बता दें जो मेहर खान है, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, उन्होंने भी ट्वीट किया संजू के बारे में, बहुत अप्रिशिएट कर रही राजकुमार हिरानी को, रणबीर कपूर को, कि उनका काम बहुत शानदार है। उन्होंने लगातार आपको 5-6 ट्वीट किए संजू को लेकर, रणबीर कपूर को बहुत ही कहा, संजय दत्त के बारे में कहा कि संजय दत्त का कि बहुत लोग कह रहे हैं कि संजय बहुत बुरे थे लेकिन वो सर्कमस्टांसेस के मारे थे, उनका ऐसा कहना था ट्वीट से। अगर उनके आप पढ़ेंगे तो उनका यही कहना है कि संजय दत्त जो है सर्कमस्टांसेस के मारे हुए थे। तो संजय दत्त की लाइफ की कहानी तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई भी आम इंसान सोच भी नहीं सकता एक ऐसी लाइफ, और कोई भी फिल्मकार, क्योंकि कोई जो इतना बड़ा एक्टर इतने साल जेल में नहीं गुजारा और जेल में गुजारने के बावजूद उसने अपना स्टारडम कायम नहीं रखा है। तो संजय दत्त की खासियत है उसने अपनी स्टारडम को कायम रख पाया, फैन फॉलोइंग बनी रही और वो उनकी एक्टिंग में वो निखार आता रहा। जैसे कि उन्होंने फिल्म की जेल से छूटने के बाद जो केसेस चल रहे थे मुन्ना भाई जैसी सीरीज की, तो उनके जो पब्लिक के व्यू थे उसे बदलने में बहुत बड़ा काम किया उस मूवी ने। तो खलनायक से मुन्ना भाई बने, उनका ट्रांसफॉर्मेशन था, और अब संजू मूवी आ गई जो पूरे लाइफ को उनकी दिखा रही है, कितनी ट्रबलिंग उनकी लाइफ रही, उन्हें क्या क्या जीना है, तो बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान में इस मूवी का रिलीज करना बहुत सारे क्वेश्चन खड़े करता है। पाकिस्तान क्या सेलेक्टिव है मूवी बैन करने के बारे में? क्या वो किस तरीके से सोचता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैन नहीं कर रहे हैं तो आप वीर दी वेडिंग को क्यों बैन कर दिया? परमाणु जैसी मूवीज में क्या था? भाग मिल्खा भाग में था ही क्या था? वो सच्चाई दिखाई गई थी, तो आपने क्यों बैन किया? और संजू जैसी मूवी जो बॉम्बे बम ब्लास्ट में बनी है उसे आपने बैन नहीं किया, जो बहुत बड़ा इंसिडेंट था, संजय दत्त की सबसे बड़ी लाइफ का इंसिडेंट था। हालांकि फिल्म मेकर उसे बचने की पूरी कोशिश की, ज्यादा उसमें डीपली नहीं गए, उन्होंने ज्यादा संजय दत्त की लाइफ की स्ट्रगल को दिखाया। तो ये बड़ा सवाल है जो हमेशा खड़ा रहेगा और लोगों से पूछता रहेगा। आपको बता दें जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी एक ट्वीट पाकिस्तान के लोगों के लिए गया था जब संजू मूवी ने 12 करोड़ रुपए कमा लिए थे। तो उनका कहना था कि आप अगर इंडियन बॉलीवुड मूवीज को इतना हेल्प करेंगे और इतना देखेंगे तो ये टैक्स के पैसे उनके मिलिट्री को जाएंगे, जिससे वो गन्स कर देंगे, एमुनिशंस कर देंगे, पैलेट गन्स लेंगे और कश्मीर में जो आम लोग हैं उनको अंधे कर देंगे पैलेट गन से, उन पर हमला करेंगे। तो इस तरह के ट्वीट उन्होंने किया था। हालांकि इसका कोई असर नहीं हुआ, फिर भी लोग वो मूवी देख रहे हैं, काफी पसंद कर रहे हैं, 51 मिलियन से ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। तो संजू वर्ल्ड वाइड हिट है ही और शानदार रिकॉर्ड बनाते जा रही है। रणबीर कपूर की आज तक के करियर का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी हो गई है। तो हमें देखना होगा संजू और कितने रिकॉर्ड तोड़ती है। लेकिन ये सवाल हमेशा खड़ा रहेगा, पाकिस्तान में संजू क्यों रिलीज हुआ और अगर उन्हें रिलीज करना है तो ये दोहरा मापदंड क्यों? बाकी फिल्म्स को भी रिलीज होने दिया जाए, सिर्फ संजू ही रिलीज क्यों? अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।